मोबाइल ऑटो ऑन ऑफ। अब इसमें कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं कि अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो वैसे आपने बैटरी लगाई फट से ऑन हो गया वो, या आप कुछ देर बाद ऑफ हो गया। तो इस कंडीशन पे तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि पावर की तो नहीं कहीं से प्रेस हो रही है। पावर की शॉर्टिंग चेक करनी है, पावर की अगर शॉर्ट नहीं हो रही है फिर भी अगर ऑन हो रहा है फिर क्या करना है, वाटर डैमेज तो नहीं गया है। होता क्या कि इसे नॉर्मल हीट से सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है कि पीसीबी को हमें क्लीन करना है। कभी कभी क्या होता है डस्ट की वजह से उसमें मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आने की वजह से शॉर्टिंग करने लगता है कोई भी कंपोनेंट ऐसा जहाँ से उसकी ऑन ऑफ की सप्लाई जाती है। तो हमें पीसीबी को क्या करना है, क्लीन। आईपी आता है, एक आईपी आइसो प्रोफाइल, आईपी एक लिक्विड होता है, इससे आप फाइल को क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे क्या करना है, अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल ऑन ही हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है तो आपको पावर आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पावर आईसी को हमें रिवॉल्व करना है, नहीं तो फिर चेन। इतना आता समझ में? ओके, आप मोबाइल की बैटरी भी प्रॉब्लम करने लगती है ऑफ के लिए, ऑन तो हो गया, ऑन के लिए मोबाइल की बैटरी बदलना है। बैटरी का एंटर और बैटरी के एंटर की ये तीन पिन होंगे, प्लस माइनस और ये बीएसआई। इन पे क्या होता है कि कार्बन जम जाता है, कार्बन मॉइस्चराइज जम गया तो उसकी वजह से बैटरी जो है प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाती पीसीबी में। तो वो अगर हल्का सभी मोबाइल अगर आपकी जेब में पड़ा हिला तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपने सोचा कि ऑफ हो रहा है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये बरसात के टाइम पे ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो आप सबसे पहले इन बैटरी एंटर को चेक करोगे, चेक बैटरी और चेक बैटरी कनेक्टर दोनों को चेक करोगे और क्लीन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑन ऑफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है,